पतरातू के टोकीसूद गांव के महुआ टोला लमकीटार से पतरातू सर्किल इंस्पेक्टर लीलेश्वर महतो के नेतृत्व में अवैध कोयला लदा वाहन पतरातू पुलिस ने जब्त किया। अवैध कोयला रांची जिला के छापर होते हुए बुड़मू के ईट भट्टों में खपाने के लिए जा रहा था। मामले में वाहन के उपचालक की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पूरे मामले में पतरातू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। बताते चले कि इन दिनों रामगढ़ सहित राज्य के दर्जनों ईट भट्टों को अवैध कोयले से संचालित किया जा रहा है। कल गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध कोयला लदा एक डंपर सातो क्षेत्र से बाहर जा रहा है, जिसमें एसपी रामगढ़ प्रभात कुमार के द्वारा एक छापामारी दल बनाया गया, जिसके नेतृत्व इंस्पेक्टर पतरातू को बनाया गया, जिसको छापामारी में गए पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उक्त डंपर को पकड़कर पतरातू थाना लाया गया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।